बॉलीवुड के उस मासूम चाइल्ड आर्टिस्ट की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, उस चाइल्ड आर्टिस्ट ने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। उसने थानेदार फिल्म में काम किया था, उसने ड्रीम गर्ल फिल्म में काम किया था, बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में उस बाल कलाकार ने काम किया और मिस्टर नटवरलाल फिल्म में उसने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो साल 1989 में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म नटवरलाल में यंग अमिताभ बच्चन का किरदार किया था इंद्रजीत सिंह नाम के चाइल्ड आर्टिस्ट। लोग उन्हें मास्टर लड्डू के नाम से भी जानते थे। सिर्फ नटवरलाल ही नहीं बल्कि उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्मों में बेहतरीन रोल निभाए, कई एक्टर्स की बचपन का किरदार निभाया। लेकिन उस एक्टर की किस्मत इतनी ख़राब थी कि 18 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम आपको बता रहे हैं इंद्रजीत सिंह की अनटोल्ड स्टोरी। जी हाँ, ये बड़ा ही एक दुखद हादसा हुआ था बॉलीवुड में 1989 में कि 18 साल की उम्र में मास्टर लड्डू यानी इंद्रजीत सिंह का निधन हो गया था। नॉर्थ मुंबई के अंधेरी इलाकों में 3 लोगों ने गला घोट कर उनकी हत्या कर दी थी। IMDB के अनुसार उनके पिता को एक फ्लैट खाली करने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि उनके पिता ने 10 महीने से किराया नहीं दिया था और जब उन्हें फ्लैट खाली करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया गया क्योंकि उनकी लीज के कुछ महीने बाकी थे। लेकिन जमींदारों ने उनकी एक न सुनी और उनके 18 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मास्टर लड्डू उर्फ इंद्रजीत सिंह ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत 1979 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म नटवरलाल से की थी। इसके अलावा 1989 में वो चुनौती फिल्म में नज़र आए थे। 1990 में उन्होंने थानेदार फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों के साथ काम किया। यही नहीं, उन्हें फिल्म ड्रीम गर्ल में भी देखा गया था। 2 अनजाने फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के किरदार निभाए थे। लेकिन बाद के दिनों में जब वो बड़े हुए बॉलीवुड में काम करने लगे तब उनकी हत्या कर दी गई थी। देखा जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद स्टोरी है कि एक बाल कलाकार जिसने अपनी मासूमियत से करोड़ों लोगों का दिल जीता, बड़ी बड़ी फिल्मों में जिसने काम किया और उसका ऐसा दुखद अंत हुआ कि जब वो 18 साल का हुआ, फिल्मों में जब उसे अच्छे रोल मिलने लगे थे तब एक पापा की उसके पिता की किसी से लड़ाई हुई, पिता ने किराया नहीं दिया और एक बहस के बाद 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और ये देखा जाए तो ये एक अनटोल्ड स्टोरी थी। बहुत ज़्यादा लोगों को इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था और देखा जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक किस्सा है और इसको बताते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है।